हेलो दोस्तों, आपका हमारी इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फेसबुक पे आपको कैसे ट्रैक किया जाता है और उस ट्रैकिंग को आप कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। जब कोई यूज़र फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बनाता है तब उसे बहुत सारी जानकारी सबमिट करनी पड़ती है, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल, फैमिली डिटेल इत्यादि। बहुत सारी कंपनीज ये सारे डिटेल्स फेसबुक से हासिल करके आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आपको एड भेजती है। अगर आप इन्हें ब्लॉक करना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो में बताए हुए स्टेप को फॉलो करके आप भी इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं अपने फेसबुक आईडी में आ गया। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो आपको एरो का निशान दिख रहा है इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ सेटिंग सेटिंग में आइए। यहाँ आने के बाद ये लेफ्ट साइड आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उस ऑप्शन पर आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते साथ देखिए, यहाँ ऑलरेडी नो वन किया हुआ है, जो मेरी सोशल एक्टिविटी है वो फेसबुक थर्ड पार्टी को शेयर कर रहा था, तो मैंने इसको नो वन कर दिया। आपके में भी अगर नो वन है तो आप रहने दीजिए, अगर नहीं है तो ऐसे मोस्टली आपका ये शो करता होगा। अगर आपने नहीं किया है तो ओनली माई फ्रेंड शो करता होगा, उसको उसको रिमूव करके नो वन कर दीजिए, जैसे जैसे ओनली माई फ्रेंड। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ओनली माई फ्रेंड है दिखा रहा, शो कर रहा, मतलब मेरे जो जो है वो फेसबुक मेरे फ्रेंड्स को भी शेयर कर रहा है और थर्ड पार्टी को भी शेयर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आके नो वन कर दीजिए। बस नो वन कर दीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। देखिए, आप कोई भी आपके जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी को भी शेयर नहीं कर रहा, कोई भी वो एक्टिविटीज़ नहीं देख रहा। उसके बाद ये फिर आपको जो लॉक का आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद सी मोर सेटिंग्स में आइए। यहाँ आने के बाद लेफ्ट साइड आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें आप ऐप्स में आइए। ऐप्स आने के बाद यहाँ आपको सारे ऐप्स आ जाएंगे जिससे आप फेसबुक से लिंकड अप है, तो अगर ऐसे आप रिमूव करना चाह रहे हैं, फेसबुक से लिंकड अप है या फेसबुक से जो भी फेसबुक है इस थर्ड पार्टी को आपके जो भी डिटेल्स वो शेयर कर रहा है, तो इस जिसे भी आपको रिमूव करना है या जिसके साथ आपको, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आते हैं, एडिट सेटिंग और रिमूव। जैसे एडिट सेटिंग में आके आप देख सकते हैं, ये देखिए एडिट सेटिंग में मेरा नाम उसके पास, मतलब वो थर्ड पार्टी के पास मेरा नाम जा रहा है, फिर कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, फिर मेरे ईमेल आईडी, बर्थडे, ये सब शेयर फेसबुक उसको शेयर कर रहा है, तो आप यहाँ से रिमूव उसको कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं अपने नाम ये वो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, जैसे आप जो आपको पसंद वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर एप्स अदर यूज, इसमें एडिट में आइए। एडिट में आइए, मैंने तो टिक को रिमूव कर दिया है। आपके पास आप भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन के सामने टिक होगा, जैसे जो टिक होगा वो चीज़ फेसबुक आपको आपके जो है डिटेल्स वो फेसबुक थर्ड पार्टी को शेयर कर रहा है, तो इस टिक को रिमूव करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जो आपके डिटेल्स है आप फेसबुक थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह आप ट्रैकिंग को ब्लॉक कर सकते हैं।